नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वंदना की रसोई में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। और मटर पुलाव तो किसको नहीं अच्छा लगेगा, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम मटर पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस मटर पुलाव को हम किस तरह से बनाए हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वादिष्ट। इसके साथ आप रायता या छोले कुछ भी खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं मटर पुलाव। तो अगर आप लोगों को इस पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाते हैं एकदम यम्मी सा पुलाव। और आप चाहें तो सादा पुलाव भी बना सकते हैं, अगर आपको मटर मिल जाए तो मटर पुलाव ही बनाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे मटर पुलाव बनाने के लिए हम बासमती चावल का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। नॉर्मल जो घर में हम लोग मंसूरी चावल या सोना मंसूरी जो भी खाते हैं उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे चावल को पहले ही धो के 10 मिनट पहले रख दिए हैं और साथ में मटर है। और सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, जीरा और बड़ी इलायची हमें इसके लिए चाहिए, छोटी इलायची लौंग, और थोड़ा सा गार्निश के लिए बाद में हमें धनिया चाहिए। और यहाँ पे जीरा और शाह जीरा दोनों चाहिए। तो बस इतने ही सामग्री से हमारा पुलाव यम्मी सा बन के रेडी हो जाएगा। कुकर गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी। पुलाव को हमेशा देसी घी में ही बनाना चाहिए, अच्छा लगता है। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं तेज़पत्ता, जीरा 1 चम्मच लिए हैं, आधी चम्मच साह जीरा लिए हैं, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये सब डाल के इसको हल्का सा हम चला देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे भुनना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्लास का हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं मटर और इसको हल्का सा चलाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाले हैं, बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चावल डाल देते हैं, यहाँ पे चावल हम डाल दिए हैं और चावल को अच्छे से भूनेंगे हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पहले चावल को अच्छे से भून लेते हैं, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चावल भून के रेडी हो गया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी नापने का हम 2 तरीका बता देते हैं। यहाँ पे जिस गिलास से आप चावल लें उसी गिलास से, 2 गिलास चावल है तो इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे तो आपका पुलाव परफेक्ट बनेगा। और नहीं तो यहाँ पे हम फिंगर से नाप के दिखाते हैं, हम लोग इस तरीके से चावल का पानी नाप लेते हैं। तो बस इतना ही पानी हमको चाहिए, चावल अगर पुराना है तो। कुकर का ढक्कन लगाते हैं और इसको 2 सीटी हम लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मटर पुलाव फर्स्ट क्लास बन के रेडी हो गया। एकदम देखने में भी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी है। अब इसको मिक्स कर देते हैं ताकि मटर और जितने भी मसाले हैं आपस में मिक्स हो जाएं। और देख सकते हैं एकदम भरभरा बना है, हर चावल अलग अलग हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का पुलाव बना है। अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल देते हैं। इसके साथ आप रायता, दाल, चने की दाल खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगेगा। यहाँ पे हम पुलाव को निकाल देते हैं अलग बर्तन में और देख सकते हैं इतना यम्मी पुलाव बना है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से इस पुलाव पे आप थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए धनिया से, नींबू से, और थोड़ा सा और अगर देसी घी डाल देंगे तो आपका पुलाव और भी लजीज और स्वादिष्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पुलाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पुलाव की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम यम्मी, एक एक चावल अलग अलग हो जाएगा आपको। यहाँ पे हम चम्मच से उठा के भी दिखा देते हैं, बहुत ही यम्मी ये पुलाव बना है। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली को बना के खिलाइए और तारीफ़ बटोरिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।